गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं मोलस्का की। मोलस्का की आज हम लोग बात करने वाले हैं और इस मोलस्का में अभी थोड़ा सा टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसे हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसे हमें चले बिल्कुल अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। आज जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग फाइलम मोलस्का के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं और जो इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन सारे प्रश्नों की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल फुर्सत से बैठिए और हमारे साथ आप लोग जुड़ जाइए। देखिए विष्णुकांत विश्वकर्मा, आरती मिश्रा, पूजा पटेल, लक्ष्मी शंकर प्रजापति, के यादव, श्रीधर तिवारी, चलिए बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। बिल्कुल कहीं थोड़ा सा और सेटिंग कुछ प्रॉब्लम है, हम उसको ठीक कर दें। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो जो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसकी हम बात करें। देखिए आपको बता दें आज का जो पहला क्वेश्चन है फाइलम मोलस्का, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई? कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है, यहां आप ध्यान दीजिए, जो पहला क्वेश्चन है आज का हाँ जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है मोस्ट प्रिमिटिव मोलस्का इज, इसमें से मोस्ट प्रिमिटिव मोलस्का कौन सा है? मोस्ट प्रिमिटिव मोलस्का कौन सा है, इसका जो पहला प्रश्न है। तो चलिए इसका जो उत्तर होगा क्या होगा, मोस्ट प्रिमिटिव मोलस्का। प्रिमिटिव मोलस्का का मतलब पहले देखिए मोलस्का आया जब सब एनेलिडा से विकसित हुआ तो मोलस्का में आया, तो सबसे पहला मोलस्कन कौन था? प्रिमिटिव, जिसमें प्रारंभिक लक्षण पाए गए, कौन सा मोलस्का था? तो हम आपको बता दें वह कौन था भाई, वह था नियोपिलाइना। नियोपिलाइना है, समझ रहे हैं, मोस्ट प्रिमिटिव मोलस्का नियोपिलाइना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल नियोपिलाइना। और आज का जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखा जाए थोड़ा सा, कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आज का। ये रहा आज का दूसरा प्रश्न, ठीक है, प्रश्न नंबर दो आपके सामने है। तो बिल्कुल नेम मोलस्का वाज गिवन बाई, नेम मोलस्का वाज गिवन बाई, मोलस्का नाम किसने दिया, मोलस्का नाम किसने दिया? आपके सम्मुख चार ऑप्शन हैं। पहला है जैकब क्लीन, दूसरा लैमार्क, तीसरा जॉनस्टन और चौथा लिनियस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर क्या होगा, मोलस्का नाम किसने दिया? चलिए देखते हैं। सोनम वर्मा आपका आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल। अमित कुशवाहा, काफी लोग जुड़ चुके हैं भाई। तो चलिए देखा जाए इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल जो सी आ रहा है सब लोगों का आंसर, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा सी ही है, नेम मोलस्का। मोलस्का जो नाम है किसने दिया, तो वो है जॉनस्टन। जॉनस्टन सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, इसका जो है सी नंबर क्वेश्चन सही है। हमने पहले भी सूचित कर रखा था आपको, इसलिए कि ताकि आप देख लें, जो भी लेक्चर है हमने लेक्चर डाल रखा है अपने चैनल पर, जो भी लोग नहीं देखे हैं उसे देख सकते हैं। मोलस्का एक जनरल कैरेक्टर का हमने डाला है और एक पाइला का और एक यूनियो का, तीन लेक्चर हमने डाला है। ठीक है, तो चलिए आज का जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न क्या है भाई, ये आ गया आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, तीसरा प्रश्न, और यह तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि हेड इज एब्सेंट इन, हेड किसमें एब्सेंट होता है, हेड किसमें एब्सेंट होता है, बिल्कुल बताइए किसमें हेड एब्सेंट होता है। पैल्सिपोडा में एब्सेंट होता है कि स्कैफोपोडा में एब्सेंट होता है, कि दोनों में एब्सेंट होता है, पैल्सिपोडा स्कैफोपोडा, कि ये ना आप दीजिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा, बिल्कुल हम देख रहे हैं अंतिमा बिंदु, सोनम वर्मा, बिल्कुल आप लोगों का, अर्जुन कुशवाहा, बिल्कुल आप लोगों का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सी नंबर आ रहा है, सी नंबर। ठीक है, तो देख लिया जाए सी नंबर जो आंसर आ रहा है, बोथ, ठीक है, बोथ
तो बिल्कुल यही इसका आंसर जो है बिल्कुल राइट है। पैल्सिपोडा में भी और स्टैकोपोडा में भी दोनों में हेड क्या होता है भाई? हेड दोनों में क्या होता है? अब्सेंट होता है। दोनों में हेड अब्सेंट होता है पैल्सिपोडा में भी और स्कैफोपोडा में भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर सी इज द राइट आंसर अर्थात दोनों। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न नंबर चार की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चार क्या कह रहा भाई? चार नंबर देखिए, प्रश्न नंबर चार अभी हम आपको बता दें, अभी तो आपके सम्मुख ये थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस हैं। अभी हम आज अपने इस प्रश्न में पूरे टोटल 40 प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। 40 प्रश्नों का संग्रह है। 20 तक तो कुछ लोग इसका रिवीजन किए भी होंगे, लेकिन 20 के ऊपर आप जो 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आप देखिए, हम कह रहे हैं कि इस 40 प्रश्नों में से आपका प्रश्न जो फंसाने की उम्मीद है वो टोटल आपके एग्जाम में जो आने वाले हैं, मैं इन्हीं 40 में से आपके फंसाने की उम्मीद रखता हूं। ठीक है, तो बिल्कुल जटिल से जटिल क्वेश्चन भी हैं और सरल से सरल भी क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं, अनरिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, सभी प्रकार के क्वेश्चन है। चलिए, चौथा नंबर क्या कह रहा है? क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन विच क्लास ऑफ मोलस्का। मोलस्का के किस क्लास में जो क्लोज टाइप का वैस्कुलर बंडल होता है, सॉरी वैस्कुलर ब्लड वैस्कुलर यानी रक्त जो संवहन सिस्टम होता है, वह क्लोज टाइप का मोलस्का के किस सदस्य में होता है, किस क्लास में होता है? तो ये ऑप्शन दे रखा है किसी फाइलोपोडा, पैल्सिपोडा, स्कैफोपोडा और मोनोक्लेपोफोरा। तो किसमें जो है क्लोज टाइप का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, किसमें क्लोज टाइप का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है? तो बिल्कुल जो आप लोगों के आंसर आ रहे हैं भाई, ए नंबर आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। तो देखा जाए, हम आपको बता दें, इसके लिए हमने बताया था कि आप याद रखिएगा कि कोई जो है हेमा है, हेमा नाम की कोई लड़की है और हेमा जो है अपना खोलकर चलती है, ओपन खोलकर चलती, मतलब जुल्फी उसकी खुले होते हैं। ठीक है, उसके खुले होते हैं मतलब बालों को खोलकर चलती है हेमा। तो कह दिया हेमा में ओपन टाइप का सिस्टम दिख रहा है, उसका सिस्टम ही जो है ओपन टाइप का है, समझ रहे हैं? तो हेमा ओपन टाइप का चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें ओपन टाइप का होता है, बट एक मोलस्का में एक्सेप्शन है, सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा एक एक्सेप्शन है। जो देखिए एक्सेप्शन क्या है, पहली बात तो हेमा खोलकर चलती है, तो इसमें मतलब ओपन टाइप का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है, ओपन टाइप का। एच थार क्या? हेमिकॉर्डेटा। एच थार है हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और ई थार इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा और यम थार मोलस्का, यम थार मोलस्का और ई थार आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इनमें सभी में ओपन टाइप बस ब्लड वैस्कुलर सिस्टम मिलता है, लेकिन एक्सेप्शन है मोलस्का में, मैंने बताया ओपन टाइप होता है, लेकिन एक है यहां पर क्लास सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा इसमें कैसा होता है भाई? इसमें क्लोज टाइप होता है, इसमें क्लोज टाइप का होता है। तो देखिए इसमें वही दिया है, सिफेलोपोडा इज द राइट आंसर। इसका जो आंसर होगा बिल्कुल ए होगा, चार नंबर का जो उत्तर होगा ही सही है, सिफेलोपोडा। चलिए आज के प्रश्न नंबर हम बात करते हैं, आज का जो प्रश्न नंबर आपका पांच है, पांच की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर पांच देखा जाए, प्रश्न नंबर पांच क्या कह रहा है भाई? पांच नंबर देखिए, पांच नंबर ये रहा प्रश्न आपके सामने, देख रहे हैं आप, ये रहा पांच नंबर। क्या कह रहा है? सेल इज अब्सेंट इन, सेल किसमें अब्सेंट होता है, सेल किसमें अब्सेंट होता है? पांच नंबर का क्वेश्चन, सेल कवच। इस सेल का मतलब है कवच। ठीक है, मोलस्का में कवच किसमें अब्सेंट होता है? ठीक है, यह आपके सामने उत्तर है। ऑक्टोपस है पहला ऑप्शन है, दूसरा है सीपिया, तीसरा है नॉटिलियस और चौथा है आराद्रव। तो इसका उत्तर क्या होगा भाई? हम देख रहे हैं आप लोगों के कमेंट, बिल्कुल आप लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं, ए नंबर आ रहे हैं, कुछ लोगों के बी नंबर आ रहे हैं भाई। ठीक है, सूरज कोटारिया आपका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल ए नंबर आ रहा है, मनोज यादव ठीक है ए नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? क्या होगा? तो बिल्कुल निसंदेह इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल ए ही होगा, ए ऑक्टोपस, ऑक्टोपस ही होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑक्टोपस। ठीक है, ऑक्टोपस इज द राइट आंसर, ए नंबर। इसमें कवच एब्सेंट होता है, यह मोलस्का का प्राणी है, कौन? ऑक्टोपस। इसमें आप पोड़ा देख करके बिल्कुल इस टाइप के, इसमें पोड़ा देख करके आप घबराइए नहीं कि सोच लीजिए ये आर्थ्रोपोडा का है, आर्थ्रोपोडा का नहीं है भाई, यह किसका है? मोलस्का का है और इसमें सेल नहीं होता है। जबकि सीपिया जो होता है इसमें सेल जो होती है इंटरनल होती है, सेल कैसे होती है? इसमें इंटरनल होती है, हमने बात किया था। ठीक है, चलिए आप
क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके सम्मुख ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन मोलस्का, मोलस्का में जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है वह क्या होता है, मोलस्का में रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हीमोसाइन प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन इन ब्लड सेल्स और मायोग्लोबिन, चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसमें फिर से जो दिव्या शुक्ला आपका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल ए, संजना पटेल ए नंबर, जो भी आप लोगों के आंसर आ रहे हैं बिल्कुल ए नंबर आ रहे हैं, ठीक है ए नंबर। तो देख लिया जाए क्या यह सही है, ए नंबर जी बिल्कुल, हीमोसाइनिन होता है और किसमें होता है, प्लाज्मा में, ठीक है हीमोसाइनिन इन प्लाज्मा इज द राइट आंसर, 6 का ए नंबर सही है, ठीक है ए नंबर सही है यह क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ट्रू पर्ल, ठीक है ट्रू पर्ल, जो पर्ल मींस क्या, मोती मोती, इसमें ट्रू जो पर्ल होती है इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है भाई, कितने लेयर की बनी होती है, वैसे आता है तो यहाँ आप जानते हैं कि किस कौन सी लेयर होती है, नेक्री लेयर होती है, ठीक है नेक्री लेयर की बनी होती है, नेक्री लेयर होती है भाई, जो पर्ल बनी होती है, पर्ल का फॉर्मेशन किस लेयर से होता है, नेक्री लेयर से होता है। अब यहाँ लेयर पूछ लिया है कि सिंगल पीस की, टू लेयर्स की, मैनी लेयर्स, तो इसका आंसर क्या होगा, आप जानते हैं इनर मोस्ट लेयर होती है, आउटर फिर मिडिल फिर इनर, तो इनर लेयर होती है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, बिल्कुल सी नंबर, आरती मिश्रा, ठीक है आरती मिश्रा और महेंद्र सिंह, बिल्कुल रेशमा यादव, आप लोगों के जो आंसर आ रहे हैं भाई, बिल्कुल जो आंसर आ रहे हैं वह क्या है, इसमें से जो सी नंबर मैनी लेयर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है बिल्कुल बहुत ही अच्छा भाई। अर्जुन कुशवाहा, अर्जुन कुशवाहा तो बहुत जबरदस्त कमेंट कर रहे हैं भाई। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कीमोरिसेप्टर इन पाइला, कीमोरिसेप्टर इन पाइला रसायन संवेदी जो होता है पाइला में क्या होता है, रसायन संवेदी पाइला में क्या होता है, पहला ऑप्शन है टीनेडियम, दूसरा रेडुला, तीसरा ऑस्फ्रिडियम, चौथा आल, तो इसमें से क्या होगा, बहुत जबरदस्त तैयारी है आप लोगों की, संजना पटेल, सूरज कोटारिया बिल्कुल सी नंबर आ रहा है आप लोगों का, श्रीधर आपका तो भाई 8 में 8 का बी आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है भाई बी नंबर तो नहीं होगा, बिल्कुल सुभाष कुमार। और देखिए एक बात हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आपके जो भी ग्रुप हो उस ग्रुप में आप लोग इस वीडियो को आप शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो संख्या ज्यादा होगी तो मेरा भी मनोबल थोड़ा सा बढ़ेगा, काफी लोगों को फायदा होगा, जो भी आपके बायोलॉजी के ग्रुप हो आप सभी लोग शेयर करें भाई, सपोर्ट करेंगे तभी ठीक रहेगा, ठीक है। तो फिर आप लोगों की शिकायत होती है सर डेली क्लास दीजिए, कैसे दे दे भाई, दो चार लोग अभी देखिए कि ये ग्रुप जो हमने बनाया है बायोलॉजी का जो ग्रुप बनाया है उसमें कितने लोग जुड़े हैं, बहुत ढेर सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन अब इस समय जो लाइव क्लास है आज संडे है फ्री है, फिर भी आप लोग केयरफुल नहीं है, मतलब इसके प्रति आप सचेत नहीं है, तो एक दो दिन में सफलता नहीं मिलती मेरे दोस्त, जो सफलता होती है कि कोई आकर के आपको साथ दे दिया, एक दो दिन में सोचने लगे नहीं नहीं आज मैं ही आज से ही पढ़ाई कर दूं, चलिए सर के पास फोन कर देते हैं, सर वीडियो दीजिए मुझे, एक मैं वीडियो पढ़ लिया हूं फिर दूसरा दे दीजिए, तो ऐसे इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है, इसके लिए आपको बहुत संयम की जरूरत होती है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप सपोर्ट भी करेंगे तब भी हम आपके लिए पूरे लगे रहेंगे हर तरीके से, तो बिल्कुल आप लोग सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों की, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, संख्या थोड़ा पहुंचाइए भाई, कुछ संख्या तो होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है फिर आगे चलते हैं, इसका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सोनम वर्मा, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सोनम जी, ठीक है। संतोष पांडे जी लिखते हैं कर दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, ठीक है। चलिए बात करते हैं भाई, यहाँ पर कीमोरिसेप्टर क्या होता है, ऑस्फ्रिडियम होता है भाई, ऑस्फ्रिडियम जानते हैं फीदर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यह ऑस्फ्रिडियम जो पाइला में बिल्कुल फीदर लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, जो टू टेस्ट द केमिकल नेचर ऑफ वाटर, टू टेस्ट द केमिकल नेचर ऑफ वाटर का काम करता है कीमोरिसेप्टर, वह इसका आंसर है ऑस्फ्रिडियम, ठीक है ऑस्फ्रिडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर नौ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम इन मोलस्क,
ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम इन मोलस्क। मोलस्क में जो कौन सा अंग है जो साम्य स्थिति को प्रदान करता है, इक्विलिब्रियम किसके अकॉर्डिंग होता है, स्टेटोसिस्ट होता है, ऑस्पिरिडियम है, रेडुला टीनिडियम। तो 9 नंबर का आंसर क्या होगा भाई, हम देख रहे हैं आपको कमेंट को देख रहे हैं, 9 नंबर का आंसर बिल्कुल ए ही आ रहे हैं सभी लोगों के। सोनमोरमा श्रीधर अंतिमा बिंद महेश कुमार पासवान बिल्कुल ए नंबर आप लोगों के जो आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, ए इज द राइट आंसर, स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट इज द राइट आंसर। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके सम्मुख ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, देखा जाए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10 में इन कटर फिश आर्म्स आर, जो कटर फिश होता है कटर फिश में कितने आर्म्स होते हैं, कितने आर्म्स होते हैं कटर फिश में बिल्कुल बताइए, हम देख रहे हैं आपके कमेंट का इंतजार है, कटर फिश में कितने आर्म्स होते हैं, कटर फिश को आप फिश नहीं समझिएगा, समझ रहे हैं कटर फिश में कितने आर्म्स होते हैं, ठीक है कितने भुजाएं होती हैं कटर फिश में। चलिए आपका आंसर बिल्कुल आप लोगों को जो आंसर आ रहा है ए नंबर पे आ रहा है, ए नंबर कुछ लोग जो है 10 लिखते हैं, कुछ लोग जो है 8 लिखते हैं, तो कटल फिश में आर्म्स कितनी होती है भाई, ठीक है चलिए हम आपको हिंट देते हैं कि अब यहां पर बिल्कुल 10 ही आ रहा है आप लोगों का आंसर, आरती मिश्रा आपका बी नंबर आ रहा है, तो क्या होगा भाई कितनी आर्म्स होंगी कटल फिश में फटाक से बताइए इसका जो आंसर है बिल्कुल कमेंट में आप करिए फटाक से। तो इसका क्या लगाया जाए, बिल्कुल इसका जो आंसर है क्या लगाया जाए इसका आंसर, ठीक है अर्जुन कुशवाहा 10, ठीक है अमित कुशवाहा आपका जो आंसर आ रहा है बी, अंतिमा बिंद 10 और 8 में आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन है, तो कितना होगा कटल फिश में, पूजा पटेल ए नंबर, ठीक है तो बिल्कुल जो कटल फिश होगी उसमें जो इसकी संख्या होती है कितनी होती है, तो 10 और 8 आप इसे बताइए भाई क्लियर करके, इसको क्लियर करिए, ठीक है चलिए बिल्कुल आ गए, अभी कुछ आ गए थे भाई, कुछ लोग आ गए थे जिनके थोड़ा सा 2 मिनट के लिए डिस्टर्बेंस हुआ, ठीक है चलिए तो कटल फिश में कितने आर्म्स होते हैं हम बात कर रहे थे, बिल्कुल 10 आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, ठीक है कितना 10, तो यही इसका राइट आंसर है ए नंबर, कटल फिश में आर्म्स संख्या होती है वह होती है 10, ठीक है कटल फिश में आर्म्स संख्या 10 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सेल इज स्पाइरलिंग, सेल किसमें स्पाइरल होती है, सेल किसमें स्पाइरल होती है, घुमावदार कवच जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, किसमें होता है आप जानते हैं जो पाइला बनता है, पाइला आप लोगों ने पाइला को बिल्कुल देखा, तो ये जो पाइला होता है भाई इसमें जानते हैं जो घोंघा है इसमें बिल्कुल स्पाइरल होता है, या किसका सदस्य है, तो यह सदस्य है गैस्ट्रोपोडा का, ठीक है गैस्ट्रोपोडा का, तो सेल इज स्पाइरल इन गैस्ट्रोपोडा इज द राइट आंसर, इसका जो आंसर होगा बिल्कुल बी होगा, ठीक है बहुत ही अच्छा आप लोगों का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल बी नंबर ही आ रहा है, ठीक है बिल्कुल संतोष पांडे जी बिल्कुल बी नंबर गैस्ट्रोपोडा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर हम 12 की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं भाई, ठीक है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आज ये मैराथन क्लास तरीके से आप कह सकते हैं लॉन्ग क्लास होने वाली है, और इसे पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं, कह रहा है स्टडी ऑफ मोलस्कन सेल इज कॉल्ड, मोलस्कन सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, देखिए स्टडी ऑफ मोलस्का एक टर्म होता है स्टडी ऑफ मोलस्का, ठीक है और यहां पर कह रहा है
स्टडी ऑफ मोलस्कन सेल, स्टडी ऑफ मोलस्कन सेल कह रहा है। तो इसका देखिए एक तो टर्म होता है मेलकोलॉजी, ठीक है मेलकोलॉजी, यहाँ ऑप्शन है मेलकोलॉजी, मेम्बोलॉजी, कांकोलॉजी और सेलोलॉजी। तो इसका आंसर हम एक बार देख लिया आप लोगों को जो कमेंट में आंसर आ रहा है बिल्कुल सी नंबर आ रहा है भाई, सी नंबर। श्रीधर तो आप लिखते हैं मेलकोलॉजी, लेकिन ऐसा नहीं है, जो मेलकोलॉजी है स्टडी ऑफ मोलस्का है, स्टडी ऑफ मोलस्का इज कॉल्ड मेलकोलॉजी, जबकि स्टडी ऑफ मोलस्कन सेल कहलाता है कांकोलॉजी, ठीक है मोलस्कन सेल का अध्ययन कहलाता है कांकोलॉजी, कांकोलॉजी संख्य विज्ञान, ठीक है यह इसका जो है राइट आंसर क्या है भाई, राइट आंसर सी इज द राइट आंसर, मोलस्कन सेल का अध्ययन कहलाता है कांकोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल सी है, सी इज द राइट आंसर, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आज का जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्या कह रहा है, 13 नंबर क्या कह रहा है इसे थोड़ा सा देखा जाए। कह रहा है सीपीआई इज आल्सो नोन एज, सीपीआर और क्या कहलाता है, सीपीआर को किस नाम से जाना जाता है, स्टार फिश के नाम से जाना जाता है, कार्टिलेजिनस फिश के नाम से जाना जाता है, कि जेली फिश के नाम से, कि कटल फिश के नाम से, किस फिश के नाम से जाना जाता है सीपीआर को, सीपीआर को किस नाम से जाना जाता है भाई, आप लोग जरा कमेंट करके बताएं, कमेंट करके आप लोग बताएं सीपीआर को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है किस नाम से जाना जाता है सीपीआर को। तो बिल्कुल आप लोगों को जो आंसर आ रहा है डी नंबर आ रहा है, तो डी का मतलब ये कटल फिश, कटल फिश इज द राइट आंसर, इसका जो सही उत्तर है डी नंबर ही है, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है उसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है ओरल आर्म्स ऑफ ऑक्टोपस, ऑक्टोपस और सीपिया और लॉलीगो, लालिगो सीपिया और ऑक्टोपस में जो ओरल आर्म्स होती हैं, ये ओरल आर्म्स क्या है, किसके मॉडिफाइड रूप हैं, मॉडिफाइड ऑफ हेड हैं कि मॉडिफाइड ऑफ फूट हैं कि मॉडिफाइड मेंटल हैं कि मॉडिफाइड लिंब हैं, क्या है भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका मॉडिफाइड रूप है। बिल्कुल हम देख रहे हैं आप लोग जो कमेंट आ रहे हैं भाई, आप लोग तो थोड़ा समझ करके आप लोग कमेंट करिए, मॉडिफाइड लिम्स श्रीधर तिवारी, नहीं भाई ऐसा कहां हो सकता है। तो देखिए हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है ओरल आर्म्स ऑफ ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का और सीपिया का जो ओरल आर्म्स होती हैं वो किसका मॉडिफाइड रूप है, तो बी इज द राइट आंसर, मॉडिफाइड फूट, मॉडिफाइड फूट बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, लार्जेस्ट लिविंग नॉन कॉर्डेट इज, लार्जेस्ट लिविंग नॉन कॉर्डेट, सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा जीवित नॉन कार्डेट कौन है, सबसे बड़ा जीवित नॉन कार्डेट कौन है, ठीक है सबसे बड़ा जीवित नॉन कार्डेट कौन है, डेविल स्क्वाड है कि व्हेल है, एलिफेंट है, साइरन है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल जो आंसर आ रहे हैं भाई अर्जुन कुशवाहा बहुत ही अच्छा, शैलेंद्र, शैलेंद्र जी आपका भी, और सोनम वर्मा बिल्कुल ए नंबर आ रहे हैं आप लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल ए नंबर, दिव्या शुक्ला, तो डेविल स्क्वाड यह इसका राइट आंसर है, डेविल स्क्वाड लार्जेस्ट लिविंग नॉन कार्डेटा है, लार्जेस्ट लिविंग नॉन कार्डेटा है डेविल स्क्वाड, ठीक है डेविल स्क्वाड इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते भाई, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, तो देखा जाए क्या है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ये रहा आपके सम्मुख क्वेश्चन नंबर 16, का विच मोलस्का इज कॉल्ड टस्क सेल, किस मोलस्का को टस्क सेल के नाम से जाना जाता है, कौन सा मोलस्का ऐसा है जिसे हम टस्क सेल कहते हैं, टस्क सेल कहते हैं किस मोलस्का को हम टस्क सेल कहते हैं, जरा बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल हम आंसर देख रहे हैं आप लोगों का, बिल्कुल आप लोगों को जो आंसर आ रहा है भाई सी नंबर आ रहा है, सी नंबर डेंटेलियम, बिल्कुल यही इसका राइट आंसर है डेंटेलियम। और हमने कहा इस 40 प्रश्नों का जो कलेक्शन लेकर के हम आज उपस्थित हैं, इसमें सरल से सरल भी है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है, अनरिपीटेड है, जटिल से जटिल क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूं इससे क्वेश्चन फंसेगा आपका, ठीक है एग्जाम में, लेकिन बस आप बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल मैं क्वेश्चन को किसके द्वारा जो है सेल का सिक्रीशन होता है, जो कवच है, किस जो कवच है उसका सिक्रीशन का स्थान, यानी सिक्रीट होकर के कौन जो है इसका कवच का रूप ले लेता है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर बिल्कुल अनुपम यादव, अनुपम यादव जी आप लिखते हैं मेंटल,
महेश कुमार पासवान, बिल्कुल आपका जो आंसर आ रहा है वो डी नंबर आ रहा है, तो क्या डी ही सही है? डी सही है, मेंटल, मेंटल इज द राइट आंसर, बिल्कुल यही इसका उत्तर सही है, ठीक है मेंटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 18 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा भाई उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ऑस्फ्रिडियम इज, ऑस्फ्रिडियम अभी मैंने चर्चा किया था कि फीदर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फीदर लाइक स्ट्रक्चर होता है, केमोरिसेप्टर टू टेस्ट द केमिकल नेचर ऑफ वाटर का कार्य करता है, यानी जल की प्रकृति को यह पहचानता है, जल की प्रकृति को पहचानता है, तो इसमें से अब वहां यहां तो केमोरिसेप्टर है नहीं, तो ऑस्फ्रिडियम किसकी तरह होता है, गस्टेटरी होता है अथवा टैंगो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर की ऑल्फैक्टरी क्या होता है? तो 18 का जो, चलिए हम बात करते हैं इसका जो आंसर होगा, बिल्कुल दिव्या शुक्ला, सुभाष कुमार बिल्कुल सी नंबर लिखते हैं आप लोग, तो बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी होता है, ठीक है ऑस्फ्रिडियम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, एप्पल स्नेल इज द कॉमन नेम ऑफ, एप्पल स्नेल किसे कहा जाता है, एप्पल स्नेल किसे कहा जाता है, किसका कॉमन नेम है, ठीक है एप्पल स्नेल का कॉमन नेम क्या है भाई, टर्मिनेला, साइप्रिया और एप्लाइसिया और पाइला, तो इसका जो है ये तो आप जानते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कि पाइला को ही एप्पल स्नेल कहा जाता है, पाइला को ही एप्पल स्नेल कहा, ठीक है आपके सामने। पैल्सीपोडा आर आल्सो कॉल्ड, पैल्सीपोडा को और किस नाम से जानते हैं, यह कह रहा है, यह प्रश्न है, बाइवेल्विया कह रहा है कि लैमेलिब्रैंकिया कह रहा है, बोथ हाफ दैवो नन ऑफ दैवो, ठीक है किस नाम से और इसे जाना जाता है, पैल्सीपोडा को बाइवेल्विया लैमेलिब्रैंकिया कि बोथ हाफ दैवो कि नन ऑफ दैवो, क्या होगा भाई इसका आंसर क्या होगा, जरा आप लोग बताएं समझ करके इसका आंसर बताएं क्या होगा। शैलेंद्र कुमार जी बोथ, लक्ष्मी शंकर प्रजापति, ए नंबर, ए नंबर क्या है भाई, बाइवेल्विया, तो आप ध्यान दीजिएगा भाई, जल्दबाजी नहीं सोच करके आप आंसर दीजिए, ठीक है। उर्मिला शुक्ला, अभी आपका आंसर गैस्ट्रोपोड आ रहा है, गैस्ट्रोपोड तो है नहीं यहाँ पर ऐसा कुछ अभी, ठीक है। चलिए क्या होगा भाई इसका आंसर, देखिए आप समझिए, बाइवेल्विया भी कहा जाता है, इसमें ही सीपी शामिल है, सीपी का मतलब यूनियो, यूनियो इसमें गैस्ट्रोपोडा का सदस्य है पाइला, जबकि पैल्सीपोडा का सदस्य है यूनियो, बाइवेल्विया इसमें दो वाल्व होते हैं, आप समझते हैं सीपी खुलती है इसे, यहां से दो वाल्व में खुल जाती है, बाइवेल्विया भी कहा जाता है, लैमेलिब्रैंकिया भी कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। पैल्सीपोडा आर आल्सो कॉल्ड बाइवेल्विया एंड लैमेलिब्रैंकिया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो था देवो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 21 की बात करते हैं, अब देखिए यहां एरियल, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यल नहीं लिखा, एरियल रिस्पायरेशन इन पाइला आकर्स फ्रॉम, जो एरियल रिस्पायरेशन होता है, वायु शोषण होता है पाइला में, वो कहां पर होता है, ठीक है किसके द्वारा होता है, यहां आपको बताना है कि मेंटल के द्वारा होता है एरियल रिस्पायरेशन, वायु शोषण, देखिए दो तरीके से इसमें शोषण होता है, एक तो होता है गिल के द्वारा, ठीक है किसके द्वारा होता है, गिल के द्वारा होता है, और दूसरा होता है पल्मोनरी सैक के द्वारा, गिल्स एंड पल्मोनरी सैक, पल्मोनरी सैक दो के द्वारा होता है इसमें, तो एक होता है एक्वेटिक रिस्पायरेशन और एक होता है टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल या इसे हम एरियल कहेंगे, क्या कहेंगे, एरियल रिस्पायरेशन, तो एरियल रिस्पायरेशन इसमें किसके द्वारा होता है, मेंटल के द्वारा होता है, पल्मोनरी सैक के द्वारा होता है, कीनेरियम के द्वारा होता है, कि ब्रैंकिया के द्वारा होता है, ब्रैंकी के द्वारा होता है, इसका आंसर क्या होगा भाई। अर्जुन कुशवाहा बिल्कुल सी नंबर लिख दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा, नम्रता पटेल सी नंबर, विनीता यादव सी नंबर, अनुपम यादव, अंतिमा बिंद बिल्कुल सी नंबर, तो बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का, इसका जो आंसर होगा बिल्कुल सी ही है, इसका जो आंसर है पल्मोनरी सैक, गिल्स कब होता है, गिल्स ऑप्शन है नहीं, गिल्स होता है जब क्या होता है, एक्वेटिक होता है, ठीक है, तो पल्मोनरी सैक के द्वारा एरियल रिस्पायरेशन होता है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर हम 22 की बात करते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर कहां है भाई 22 उसको भी थोड़ा सा देखा जाए, ठीक है क्वेश्चन नंबर अगला, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ पाइला इज, पाइला में जो उत्सर्जी अंग होता है, पाइला में जो उत्सर्जी अंग होता है वह क्या होता है, पाइला का उत्सर्जी अंग क्या है आप बताइए जरा, यहां चार ऑप्शन है भाई, केबर्स ऑर्गन और किडनी,
रीनल ऑर्गन नन। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा बताइए जरा। हम देख रहे हैं बिल्कुल केवल आपके अनुपम यादव, भानु प्रताप सिंह 22 का ए, बिल्कुल 22 का ए केवल आर्गन। चलिए देखा जाए, समझा जाए भाई। देखिए हम आपको बता दें, एक आर्गन ऑफ बोजानस लिखा था, आर्गन ऑफ बोजानस और एक केवल आर्गन आपने पढ़ा है सामान्य रूप से मोलस्का का जो जनरल करेक्टर था वहां पर हमने जो बताया था। ठीक है, तो हम आपको बता दें यहां पर जो है केवल सार्गम नहीं होगा भाई, यहाँ पर जो आंसर इसका है सी नंबर है रीनल। ठीक है, इसका जो आंसर है रीनल आर्गन। ठीक है, आर्गन ऑफ बोजानस, अगर यहाँ पर आर्गन ऑफ बोजानस होता तो वह हो जाता, इसका आंसर आर्गन ऑफ बोजानस हो जाता और यहाँ पर रीनल आर्गन ही है। ठीक है, रीनल आर्गन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल सी नंबर इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है इसको देखा जाए। बिल्कुल कह रहा, हाउ मेनी टीथ आर फाउंड इन रो ऑफ रेडुला। रेडुला में कितने जो है टीथ होते हैं, कितने टीथ होते हैं रेडुला में। ऑप्शन है आपके समूह 7 है, दूसरा है 5, तीसरा है 9 और चौथा है 11। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। सूरज कोटारिया बहुत अच्छा, आप हर टचिंग कर रहे हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा भाई। ठीक है, रेडुला में कितने टीथ होते हैं, तो बिल्कुल इसका जो हाउ मेनी टीथ, तो इसका जो आंसर होगा बिल्कुल 7 इज द राइट आंसर, 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, 20 का 7 नंबर इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ये रहा। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, क्या कह रहा है, टॉर्सन इज शोन इन टॉर्सन। आप लोग बिल्कुल जो कमेंट कर रहे हैं बहुत ही शानदार कमेंट। ठीक है, तो चलिए देखा जाए अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा श्रीधर जी। ठीक है, चलिए इसका टॉर्सन, टॉर्सन मीन्स होता है ऐंठन। अभी मैंने बताया था टॉर्सन मीन्स क्या, ऐंठन। ये किसमें पाया जाता है, यूनियन तो होता नहीं, लॉलिगो में होता नहीं, इसमें होता नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, बी इज द राइट आंसर पाइला। ठीक है, 24 का बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है भाई, 25 नंबर क्या कह रहा है, ब्लड ऑफ पाइला कंटेन्स, जो पाइला का ब्लड होता है उसमें क्या होता है, आरबीसी होता है कि डब्ल्यूबीसी होता है, अमीबोसाइट होता है कि मोनोसाइट होता है, क्या होता है इसमें। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, अमीबोसाइट और मोनोसाइट, इसमें से क्या होता है, इसका जो आंसर होगा 25 नंबर का आंसर क्या होगा, 25 नंबर का उर्मिला शुक्ला आपका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सी आ रहा है। ठीक है, इसका और जैस्मीन अहमद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जैस्मीन अहमद जी। ठीक है, चलिए राम सकल सरोज बिल्कुल सी नंबर आ रहा है आपका भी आंसर। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा, ब्लड ऑफ पाइला कंटेन्स अमीबोसाइट, अमीबोसाइट होगा इसमें, इसका जो आंसर है बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए आपके सम्मुख ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, 26 कह रहा है पाइला इज, पाइला क्या होता है, कार्निवोरस होता है कि हर्बीवोरस होता है कि सैंगीवोरस होता है, ओमनीवोरस होता है, कार्निवोरस होता है। ठीक है, कार्निवोरस मांसाहारी, हर्बीवोरस शाकाहारी, सैंगीवोरस खून चूसाहारी, खून को चूसता है ना, जैसे आपने जो पढ़ा था लीच, लीच कैसा था, सैंगीवोरस था, ओमनीवोरस सर्वाहारी, तो कौन हारी है कि पीड़ाहारी है। ठीक है, आप लोग बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा भाई, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल अबुल लरिस हर्बीवोरस आप लिखते हैं। ठीक है, बी बी अमित कुशवाहा, बी 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 बी, अरे भाई इतना बीबी का लिखते हैं आप, बीबी इतना ढेर सारा कहा लिखते रहे भाई। और प्रिया यादव जी, प्रिया यादव सुपरटेट, आप तो भाई लिख रहे हैं फार्म बायोलॉजी से, फार्म कब तक अप्लाई होगा प्लीज। ठीक है, अभी देखिए ये चयन बोर्ड की प्रक्रिया है, अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, 15-20 दिन का और टाइम अभी उन लोगों ने मांगा है और थोड़ा सिस्टम अलग कर दिया है। ठीक है,
लेकिन लगे रहिए, जब आपको मंजिल तक पहुंचना है तो जितनी आपकी प्रिपेयर ज्यादा रहेगी, जितनी ज्यादा आपकी तैयारी रहेगी, उतना आपके लिए फायदा है। समझ रहे हैं? तो उसका नहीं, वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। जो लोग 16 में है, 2016 की एग्जाम में शामिल है बायोलॉजी में, तो उनका तो परीक्षा होना ही, भाई कोर्ट का आदेश है, उसको लोग कहीं चुरा कर भाग नहीं सकते, छिपा नहीं सकते, परीक्षा तो होनी ही है। 2020 की भी परीक्षा होनी, क्योंकि आधे फॉर्म फिलअप भी करवा लिए हैं, समझिए। ये झेला रहे हैं वो बात अलग है, समझ रहे हैं, लेकिन उनको कराना तो है ही, इसलिए आप जुटे रहिए। नहीं बाद में जब परीक्षा जाती तो आप कहते हैं हमारे लिए टाइम कम पड़ गया, नहीं तो मैं तो बहुत ही दमदार तरीके से करता, समझ रहे हैं। लेकिन ऐसी आप गलती नहीं करिएगा, बिल्कुल आप लगे रहिए, जुटे रहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला का, बिल्कुल हर्बीवोर्स, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं इसमें दो इसके फेवरेट वाइल्ड सिनेरिया है और इसके दो जो है फेवरेट भोजन है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम इसका जो हाँ पहला का हर्बीवोर्स इज द राइट आंसर। 27 नंबर क्या कह रहा है, मोड ऑफ रिस्पायरेशन इन पाइला, पाइला में जो रिस्पायरेशन का मोड होता है क्या होता है भाई, किस प्रकार का श्वसन होता है इसमें, एक्वेटिक होता है कि एरियल होता है कि नर होता है कि बोथ होता है, कैसा होता है भाई इसमें, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, हम देख रहे हैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं भाई। पहला ही कमेंट देखते हैं किसका आता है, 27 नंबर का, ठीक है, बिल्कुल डी नंबर, महेश कुमार पासवान, ठीक है, महेश कुमार पासवान, श्रीधर सुंदरी, जो बिल्कुल आप लोगों का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल डी नंबर, तो बिल्कुल एक्वेटिक भी होता है भाई, जल में भी होता है पाइला, और स्थल में भी होता है, तो एरियल, जब वहां होगा स्थल में तो एरियल होता है, जल में होगा तो एक्वेटिक होगा, तो इसका जो आंसर होगा बिल्कुल डी नंबर बोथ बोथ इज द राइट आंसर, यही इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, आपके सब क्वेश्चन नंबर 28, स्टेटोसिस्ट ऑर्गन्स ऑफ किसके लिए होता है भाई, एक्सक्रीशन के लिए होता है कि ऑल्फैक्टेशन के लिए होता है, ऑल्फैक्टेशन के लिए होता है कि सिक्रीशन के लिए होता है कि इक्विलिब्रियम के लिए होता है, किसके लिए होता है, स्टेटोसिस्ट किसके लिए होता है। बिल्कुल हम देख रहे हैं आपके संतोष पांडे जी, आपकी भी तैयारी ठीक ठाक चल रही भाई, अच्छा चल रहा है, ठीक है। वंदु यादव, इक्विलिब्रियम 100%, बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस है और यही आंसर सही है, ठीक है, डी नंबर इक्विलिब्रियम ही इज द राइट आंसर। स्टेटोसिस्ट ऑर्गन, ठीक है, स्टेटोसिस्ट ऑर्गन किसके लिए होता है, इक्विलिब्रियम के लिए होता है, बैलेंस करता है, बैलेंस, ठीक है, चूना का विश्रावण करता है ये चूना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, लावा ऑफ यूनियो, इन यूनियो का लावा क्या कहलाता है, ट्रोकोफोर लार्वा कहलाता है कि ग्लॉचिडियम लार्वा कहलाता है कि वेलिगर लार्वा कहलाता है कि प्लैनुला लार्वा कहलाता है, कौन सा लार्वा है, यूनियो का लार्वा क्या कहलाता है, यूनियो का लार्वा क्या कहलाता है भाई, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, लार्वा। तो देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा, बिल्कुल बहुत ही अच्छा संतोष जी, ग्लॉचिडियम लार्वा बहुत ही अच्छा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल बी ही इसका राइट आंसर है, ग्लॉचिडियम लार्वा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ग्लॉचिडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 30 भागने का नाम ही नहीं ले रहा है नहीं, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, देखा जाए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, द आउटर लेयर ऑफ सेल ऑफ यूनियो कंटेन्स, ठीक है, जो यूनियो की बाहरी जो सेल होती है, बाहरी कवच होती है, कौन क्या रखती है, ठीक है, क्या रखती है मेरे दोस्त, काइटिन रखती है कि कांक्योलिन रखती है कि कैल्शियम कार्बोनेट रखती है कि SI2O3 रखती है, क्या रखती है भाई, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोगों के जो आंसर आ रहे हैं बिल्कुल, प्रिया यादव आपका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सी ही आ रहा है, सी नंबर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हम आपसे बात करते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, कॉन्क्योलिन। 31 कह रहा है टिफ्लोसोल प्रेजेंट इन यूनियो किसकी तरह होता है भाई, टिफ्लोसोल कहां होता है, यह स्टोमक में होता है कि इंटेस्टाइन में होता है कि ओएसोफेगस में होता है कि रेक्टम में होता है, किस में होता है टिफ्लोसोल, 31 नंबर का आंसर क्या होगा भाई, 31 नंबर का आंसर क्या होगा, किसका आंसर जो होगा, सी नंबर इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी ही इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब 32 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है भाई,
क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 32। चलिए बताइए, हार्ट बीट ऑफ यूनियो पर यूनिट पर मिनट, हार्ट बीट ऑफ यूनियो पर मिनट, प्रति मिनट यूनियो में हार्ट बीट कितनी होती है, यह आपको बताना है, यह आपको बताना है। आज का ये एक दमदार क्वेश्चन है, इसे बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। थोड़ा सा हम देखते हैं, एक मिनट, लाइट की कंडीशन क्या है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा भाई, के यादव जी और मंजू, मंजू देवी, बिल्कुल आप लोगों का जो आंसर आ रहा है वह क्या है भाई, इसका आंसर बताइए आप लोग। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, अब एक बचा है डी नंबर, सुषमा कोटारिया, बी नंबर 20 से 40, क्या होगा भाई, सब गड़बड़ हो रहा है क्या? देखिए क्या होगा, हम आपको बताते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। हार्ट बीट ऑफ यूनियो, प्रति मिनट यूनियो में हार्ट बीट कितनी होती है, 10, 20, 9, 20 से 40, 9, 40 से 80 और 20 से 100। अब समझिए इसमें दोनों में कंडीशन, जो आर कोटपाल की बुक है, ठीक है, कोटपाल की बुक है जो बीसी लेवल की, उसमें आप जाएंगे देखेंगे तो जो बिल्कुल विस्तार से लिख रखा है उसमें 20 से 100 दे रहा है, विस्तार से बता दिया है, पूरा विस्तार समझा दिया, और हो सकता है कि उसमें आंसर गलत दिया हो, उसका जो आंसर दे रहा है क्वेश्चन में आंसर दे रहा है वो 40-80 दे रहा है, तो ये नहीं है 40-80 नहीं, इसका राइट आंसर क्या है, 100, डी इज द राइट आंसर। प्रिया यादव जी बिल्कुल आपका आंसर सही है, ठीक है। विष्णुकांत विश्वकर्मा जी, डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है स्टेटोलिथ इज अ पार्ट ऑफ, स्टेटोलिथ किसका पार्ट है भाई, किसका पार्ट है स्टेटोलिथ, किसका पार्ट है जरा बताइए, स्टेटोलिथ किसका पार्ट है, ठीक है, बिल्कुल हमें आपके कमेंट का इंतजार है। स्टेटोलिथ किसका पार्ट है, महेंद्र सिंह, संतोष पांडे जी, अर्जुन कुशवाहा और बिल्कुल नवीन वर्मा, संजना पटेल, बिल्कुल ए नंबर आप लोगों का जो आंसर आ रहा है, ठीक है, ए नंबर। तो प्रिया यादव बिल्कुल ए ही इसका सही आंसर है, स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट का पार्ट है स्टेटोलिथ, ठीक है, स्टेटोलिथ किसका पार्ट है भाई, स्टेटोसिस्ट का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्या सिफेलोपोड इज अ क्लास ऑफ मोलस्का इन विच, मोलस्का का क्लास है सिफेलोपोडा, मोलस्का का क्लास सिफेलोपोडा है, ठीक है, उसमें क्या होता है, नोट पहला ऑप्शन है नोटोकार्ड एक्सटेंड अप टू हेड, नोटोकार्ड एक्सटेंड टू कहां होता है, हेड पे, फूट इज लोकेटेड ऑन द हेड, हेड इज लोकेटेड ऑन द फूट, फूट इज ऑब्सेंट, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 34 का सही आंसर क्या होगा भाई, 34 का सही आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या है, हम देख रहे हैं बिल्कुल आप कैंसर के इंतजार, बिल्कुल अंतिमा बिन, श्रीधर तिवारी, अमित कुशवाहा जी, योगेंद्र यादव, बहुत ही अच्छा, आप लोगों को जो आंसर आ रहा है भाई, बी इज द राइट आंसर, फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड, सिर पर पैर, सिर पर पैर होता है किसमें, सिफेलोपोडा में, सिफेलोपोडा में सिर पर पैर होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वह बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कह रहा है सीपिया एंड ऑक्टोपस स्विम्स स्विफ्टली बाय मींस ऑफ, यानी किसके द्वारा ये स्विम्स करते तैरते हैं, कौन कौन, सीपिया और ऑक्टोपस, ये सीपिया और ऑक्टोपस किसके द्वारा तैरते हैं, ठीक है, मैंने बताया भी था सीपिया में, जो सीपिया में सेल होती है वो बिल्कुल इंटरनल होती है, ऑक्टोपस विदाउट सेल होता है, जबकि पूरे मोलस्क में सेल पाया जाता है, आप यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ कुछ नाम लेंगे, इनके कुछ नाम भी हैं, फिश के डेविल फिश, ऑक्टोपस डेविल फिश, ठीक है, और कटल फिश सीपिया, ठीक है, तो लेकिन ये ट्रू फिश नहीं है, मोलस्कन के प्राणी है, ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा भाई, 35 का हम आंसर देख रहे हैं, आप लोगों को जो आंसर आ रहा है, कई लोग आंसर ए कर रहे हैं फिर डी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, सर डी इज द राइट, सोनम वर्मा, अंतिमा बिंद, डी 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 डी, ऐसा क्या, ऐसा क्या भाई, नो, सीपिया और ऑक्टोपस में जो स्विम होता है
तैरते हैं, इसकी मतलब क्या है? लेटरल फिन्स के द्वारा। किसके द्वारा? लेटरल फिन्स के द्वारा। आप जाकर के देखिए, यह क्वेश्चन आ भी चुका भाई, यह क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है बंधु, बिल्कुल 100% आप दे रहे हैं, 100% जेट प्रोपल्सन थ्रो साइफन। ऐसा क्या है जेट प्रोपल्सन थ्रो साइफन? बिल्कुल, अगर ऐसा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर करिएगा इसका आंसर, जहां से है विस्तार से आप आंसर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है सबसे वह है लेटरल फिन्स, लेटरल फिन्स। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों के आंसर का हम स्वागत करते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है उसको भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 36? देखो क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंक बिटवीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंक बिटवीन, निम्नलिखित में से कौन जो है एनीलिडा और मोलस्का का लिंक कहा जाता है, कड़ी कहा जाता है? किसको एनीलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी कहा जाता है? किसको एनीलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी कहा जाता है? सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है वो सी ही आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है, देखिए, देख लिया जाए भाई, सी एनीलिडा और मोलस्का। ठीक है, इसके बीच की कड़ी देखिए हम आपको बता दें, एक तो आपको हम फार्मूला बताए थे पा, और एक बताया था नेम। ठीक है, नेम ऐसा दो फार्मूला बताया था। पेरिपेटस होता है एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच। पेरिपेटस किसके किसके बीच होता है? एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच होता है। और यन फॉर नियोपिलाइना, नियोपिलाइना किसके किसके बीच कड़ी होता है? एनीलिडा और मोलस्का, एनीलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी होता है कौन? नियोपिलाइना। तो इसमें नियोपिलाइना है, तो ये ऑप्शन सी नंबर इज द राइट आंसर, नियोपिलाइना। नियोपिलाइना एनीलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, इस नियोपिलाइना को आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, बिल्कुल आगे चलते हैं। आज की जो अगली क्लास, आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 तो आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 37, देख लिया जाए। बिल्कुल, पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीशीज, जो पर्ल मोती का जो फॉर्मेशन होता है उसकी भारतीय प्रजाति इसमें से कौन सी है भाई? कौन सी है? पिंटाडा इंडिका की, पिंटाडा बल्गेरिस की, ऑस्ट्रिया इंडिका, ऑस्ट्रिया बल्गेरिया। इसका जो सही आंसर है वह क्या है? यह रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, यह रिपीटेड क्वेश्चन है। हमने कहा यह रिपीटेड क्वेश्चन है। बिल्कुल जो आप लोगों का आंसर आ रहा है बिल्कुल बी आ रहा है, बी इज द, देखिए देखा जाए बी क्या कह रहा है भाई, बी पिंटाडा बल्गेरिस, यही इसका राइट आंसर है, यही इसका राइट आंसर है। पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज पिंटाडा बल्गेरिस, पिंटाडा बल्गेरिस इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है हम क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज थ्री चैम्बर्ड हार्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु में तीन चैम्बर्ड हार्ट होता है? थ्री चैम्बर्ड हार्ट किसमें होता है ये आप ध्यान रखिएगा। रैबिट कह रहा है कि पाइला कह रहा है, यूनियो कह रहा है, एम्फियोक्सिस कह रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? थ्री चैम्बर्ड हार्ट किसमें होता है? थ्री चैम्बर्ड हार्ट किसमें होता है? हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं बिल्कुल। और बिल्कुल हम आपको बता दें इसी तरीके से क्लासेस जो व्यवस्थित है, अगर आप लोग सपोर्ट किए भाई तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है, तो हम भी आपके साथ बिल्कुल जुटे रहेंगे, डटे रहेंगे। अगर आप लोग नियस्ता दिखाएंगे, जैसा कि अभी हमने कहा थोड़ा संतुष्टि इसलिए नहीं है कि ये बताइए 100 तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं पूरे, ये पूरी संख्या 100 तक भी नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, अगर 100 तक होता है तो शतक जब लगता है तो अपने आप में भी आत्मविश्वास मेरा भी बढ़ जाता है, और आप लोगों के लिए मैं भी बिल्कुल जुट जाऊंगा इसी तरीके से। जो प्रैक्टिस सेट है, चाहे टॉपिक वाइज, चाहे आप जैसे मोलस्का की बात कर रहा हूँ, मोलस्का में भी तीन तीन टॉपिक कर दूंगा, तीन तीन प्रैक्टिस सेट कर दूंगा, और लाइव क्लास ही रहेगी, समझ रहे हैं? तो पाइला का, यूनियो का, जनरल कैरेक्टर का, सभी का। लेकिन हाँ, जब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तब, ठीक है, क्योंकि मेरा भी मन, मैं भी प्राणी हूँ, समझ रहे हैं? और देखिए उत्साह बढ़ाने से ही बढ़ता है, नहीं तो हम आपको बता दें जहां तक अगर हम कैपेसिटी की बात कर दें, क्षमता की बात कर दें, तो आप सभी में वो क्षमता है जो दूसरों में नहीं है।
जो आज देखिए हम आपको बता दें एक सरकारी जो नौकरी मिलना हो गया, एक दिमाग का एक वायरस है। नहीं तो आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं, मैं आज भी कह रहा हूं, पहले भी कहा था कि आप लोगों में से ऐसे भी लोग हैं जिनसे किसी टॉपिक पे बहस करके तो देखिए जो सरकारी हो गए ना उनकी भी छक्के छूट जाएंगे, भाग जाएंगे। लेकिन हाँ ये है कि 99% आपकी मेहनत, 1% आपका लक भी होता है। अब नहीं साथ दिया तो कोई बात नहीं, फिलहाल निराश होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आप मेहनत करेंगे और एक बात और बता दे, आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा मेहनत ही आपकी उतनी बड़ी होगी, उतनी ही ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, करना तो अपने से ही है। इसलिए आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल काम में जुट जाना चाहिए, समझ रहे हैं। और कभी अहम की भावना मत रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिएगा, किसी क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं लीजिएगा, नहीं एक एक क्वेश्चन आपके लिए उतार और चढ़ाव में शामिल हो सकता है, इतना आप समझिए, समझ रहे हैं। कहा गया है कि हौसले बुलंद हो तो आंधियों में चिराग जलता है, लेकिन हाँ चिराग कब जलेगा आंधियों में, जब आपके पास हौसला होगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से डट कर आप लगे रहेंगे तब आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा बेहतरीन होगा। कोई भी मंजिल ऐसी नहीं है जो मानव के लिए नहीं है, या आप बता दीजिए कि कोई भी पद ऐसे बनाए गए हो यहाँ पर जो जिसे मानव अचीव नहीं करता है, सभी अचीव मानव ही करते हैं। और मानव ही पूरे शुरुआत से लेकर जब जन्म लेता है तब से जब तक बड़ा होता है तब तक वो कार्य, वो सोचिए कि मानव ही द्वारा किया जाता है, तो वो आप भी वही मानव है, हम भी वही मानव है, सब कुछ सिस्टम भी वही है, 365 दिन है, 24 घंटे है, 12 महीने सबके लिए है, सब कुछ वही है, बसरते मेहनत की जरूरत होती है दोस्त, ठीक है। और आपके अंदर वो आत्मविश्वास भी होना चाहिए, ठीक है, उस मेहनत के लिए कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखिएगा आप, बस आप लोगों से यही कहेंगे सफलता आपकी कदम चूमेगी मेरे दोस्त, ठीक है, कभी आप हताश नहीं होगा, निराश नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनके पड़ोस में नौकरी लगती है तो उस दिन बड़े सक्रिय हो जाते हैं, नहीं मुझे भी लेना है, तो 1-2-3-4 दिन में नौकरी नहीं मिलती मेरे दोस्त, 1-2-3-4 दिन से सफलता नहीं मिलती है, इसके लिए बहुत तपना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम आपको बता दें बिल्कुल यहां से आप लोग देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज 3 chambered, किसमें होता है 3 chambered, किसमें होता भाई, अभी उत्तर तो हम भूल ही गए थे भाई, ठीक है। अब यहां से बिल्कुल चित्रा वर्मा लिखी, सर टीजीटी में पार लगा दो, बिल्कुल पार लगेगा भाई, लेकिन सपोर्ट रहेगा तब बिल्कुल पार लगेगा, इसीलिए तो लेकर के उपस्थित हुए हैं। देखिए पायलट में 2 chambered होता है, कितना 2 chambered होता है, जबकि यूनियो में क्या होता है 3 chambered होता है, यूनियो में 3 chambered होता है, आप ध्यान रखिएगा। यू की कोडिंग होती है 23, ठीक है, नॉट 23, 21, आप यहां 2, 1, 3, ठीक है। देखिए टी के बाद यू आता है, यू से यूनियो शुरू होता है, और यूनियो की यू की कोडिंग होती है 21, ठीक है, 21 होती है, तो 2, 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, 3 chambered होता है इसमें, कैसा होता है 3 chambered, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, नंबर हम 39 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 39, द मदर ऑफ पर्ल, मदर ऑफ पर्ल इन द सेल ऑफ, ठीक है, मदर ऑफ पर्ल इन द सेल ऑफ पर्ल ऑयस्टर लाई जस्ट, क्या होता है भाई, मदर ऑफ पर्ल किसे कहा जाता है आप समझिए, क्या होती है, इनर टू पेरियोस्ट्रैकम, आउटर टू पेरियोस्ट्रैकम, आउटर टू मेंटल कनेक्टिव टिश्यू की इनर टू मेंटल कनेक्टिव टिश्यू, इसका सही आंसर क्या है भाई, इसका सही आंसर क्या है, चलिए बताइए आप लोग भाई, प्रियंका प्रीदर्शी और सुंदरी एजुकेशन हब, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का भाई, बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इनर टू पेरियोस्ट्रैकम, आउटर टू पेरियोस्ट्रम, आउटर टू मेंटल कनेक्टिव टिश्यू, इनर टू मेंटल कनेक्टिव टिश्यू, इसका जो आंसर होगा बिल्कुल ए नंबर आप लोगों का आंसर आ रहा है, के यादव जी आपका भी, अमित कुशवाहा बिल्कुल, अंकिता मौर्य, ठीक है, अंकिता अनुपम यादव, बिल्कुल आप लोगों का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है ए, इनर टू पेरियोस्ट्रैकम, इनर टू पेरियोस्ट्रैकम मदर ऑफ पर्ल इन द सेल ऑफ पर्ल ऑयस्टर लाई जस्ट, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है ए नंबर। चलिए आज क्वेश्चन नंबर, हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, 40 मींस 40, ये रहा क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भले ही रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन इस पर आपकी निगाह होनी चाहिए, इस पर आप अपनी निगाह जरूर रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्पर्म्स इन पाइला आर,
जो पाइला में स्पर्म्स होता है कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, यू पायरिन ओनली आल्गो पायरिन ओनली कि ए पायरिन कि बोथ यू पायरिन एंड आल्गो पायरिन, कैसा होगा भाई इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए जरा, इसका सही आंसर क्या होगा, स्पर्म इन पाइला आर यू पायरिन ओनली आल्गो पायरिन ओनली ए पायरिन बोथ हाफ यू पायरिन बोथ हाफ यू पायरिन एंड आल्गो पायरिन, तो इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों को जो आंसर आ रहा भाई बिल्कुल डी नंबर आ रहा है, पूनम कोटारिया जी डी नंबर, ठीक है नवीन जी बिल्कुल डी नंबर, तो इसका जो राइट आंसर है हम आपको यू पायरिन भी होता है और आल्गो पायरिन होता है। अब इसमें हम आपको एक चीज और बता दें, ये स्मॉल होता है, कैसा होता है स्मॉल और मोटाइल होता है, स्मॉल और मोटाइल होता है, और ये क्या होता है लार्ज और नॉन मोटाइल होता है आल्गो पायरिन, ठीक है। यू पायरिन में देखिए स्मॉल हम कैसे इसको कोड आप समझिएगा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ ही अक्षर है, अगर किसी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, दस अक्षर है तो बड़ा हो गया, तो लार्ज ऐसा समझिए अपना कोड रखिएगा लार्ज इन साइज, ठीक है, और लार्ज इन साइज नॉन मोटाइल जो बड़ा हो गया तो खा पी के बैठ गया तो कहां चलेगा, समझ रहे हैं वो पर। अब यही जो है फर्टिलाइज करता है ईग को, यू पायरिन ही फर्टिलाइज करता है ईग को, ठीक है, और ये फर्टिलाइज नहीं करता है, लेकिन दोनों दोनों होते हैं, दोनों प्रकार के स्पर्म होते हैं पाइला में, तो इसका जो आंसर होगा बोथ बोथ यू पायरिन एंड आल्गो पायरिन, बोथ यू पायरिन एंड आल्गो पायरिन दोनों, इसका इसका जो सही उत्तर है बिल्कुल डी नंबर है। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके एक बार यह बताइए कि यह क्लास कैसी लगी आपको, क्या इसी तरीके से क्लास चाहते हैं। देखिए अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, मैंने बार बार कहा है लास्ट चांस भी कह रहा हूं, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जरूर से जरूर ऐसी ही क्लास चलेगी, ठीक है, और यह संख्या अगली क्लास में हमारे यह 100 तक होनी चाहिए, यह जो हमारी संख्या है जो आज की संख्या हम देख रहे हैं यह बिल्कुल 100 तक होनी चाहिए भाई, आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है, तो जाहिर सी बात है कि जो 100 में 100 का टारगेट होता है बिल्कुल वही होगा 100 में 100, ठीक है। तो चलिए आज की हमारी क्लास में बस यहीं तक, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके थैंक यू।